नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। दिल्ली से 100 रुपया चलेगा, अगर लखनऊ से 100 रुपया चलेगा तो डीपीटी के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी गांव, गरीब किसान मजदूर के सीधे खाते में 100 रुपया ही पहुंचेगा। कोई भी माई का लाल उसमें चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करेगा वैसे लोगों की जगह जेल की सलाखों में हो। और इसलिए मित्रों, मेरा जैसा नौजवान गर्व के साथ करता कि अभिमान करो तुम मोदी, अभिमान करो तुम मोदी पे। वह नाविक का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आया है। ना अपना उनका कोई माई है और ना कोई अपना भाई है, ना कोई परिवार है और ना कोई रिश्तेदार है। अरे मोदी और योगी जी के लिए कोई अपना है तो योगी जी कहते हैं कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, और मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है, जिसके लिए मैं जीता हूं और उसी के लिए मरता हूं। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज़्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल, बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।